शांति 9 नवंबर के महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ पात्र को देखकर ज्ञान दान करो प्रश्न है गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे उसकी सहज विधि क्या है जवाब है जो बाबा ने समझाया वह दूसरों को समझाओ ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी चलन भी सुधरती रहेगी जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं वह मनहूस वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं गीत है बचपन के दिन भुला ना देना ओम शांति मेन पॉइंट्स हैं हम आत्मा हैं बेहद बाबा के बच्चे हैं ये भूला नहीं देना है अभी अभी बाबा की याद में हर्षित रहते हैं अभी अभी बाबा को भूल जाते तो गम में पड़ जाते हैं अभी अभी मर पड़ते हैं अभी अभी बेहद के बाप का बन जाते हैं यही है गीत का अर्थ तुम बच्चे जानते हो बहुत करके मनुष्य शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं अब हमें दाता ने हमें अपनी पहचान कराई तुम आत्मा हो ही शांत स्वरूप यहाँ आती हो पाठ बजाने तो तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ता है बाबा कहते बच्चे तुम सबको समझाओ हम आत्माओं का बाबा शिव बाबा है आगे तो हम कुछ भी समझा नहीं सकते थे अगर तुम किसी को समझाते हो तो प्यार से समझाओ बाबा कहते किसी को समझ में नहीं आता तो बहुत प्यार से नम्रता से समझा करके रवाना कर देना चाहिए क्योंकि आसुरी संप्रदाय है ना झगड़ा करने में देरी नहीं करती है गवर्नमेंट भी स्टूडेंट्स की कितनी महिमा करती है उनके लिए कितने प्रबंध रचती है और दंगा फसाद भी फिर वही करते हैं पत्थर मारने में भी देरी नहीं करते हैं उल्टे बन गए हैं अब बाबा कहते बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो सीधे काम करो उल्टे काम नहीं करने हैं सीधे होने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे तुम याद रखो शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है लेकिन समय मिलते ही शिव बाबा की याद में बैठ जाना है गाते हैं भरकुटी में चमकता है अजब सितारा लेकिन अर्थ कुछ समझते नहीं अभी बाबा तुमको पावन बनाते हैं शहनशाह भी बनाते हैं तुम्हारे पास एक गीत भी है आखिर वह दिन आया आज कई लोग तो अपने आप में शिवोहम का उच्चारण करते हैं ये भी रॉन्ग है आत्मा ने तो अपने चौरासी जन्मों का दर्शन किया है ना इसी को ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है तुम्हें बहुत युक्ति से चलना है बहुत विघ्न पड़ेंगे ये तुम जो नॉलेज देते हो इसमें तुम्हें बहुत मीठा बनना है नष्टोमोहा भी होना पड़े एक विकार छोड़ा तो फिर खिटखिट होंगी बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे समझाने वाले भी गिर पड़ते हैं बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं कहा जाता है कल्प कल्प खाई थी बाप समझाते बच्चे जितना हो सके कंट्रोल करो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते धारणा है कुछ भी होता है भावी समझ शांत रहना है क्रोध नहीं करना है जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है बहुत प्यार नम्रता से सबको बाबा का परिचय देना है सबको मीठी मीठी बात सुनाओ बाबा कहते अपने को आत्मा समझो मुझे याद करो इस देह से नष्टोमोहा हो जाओ वरदान है नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भाव कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे अगर कोई गाली भी दे इंसल्ट भी करे आप सेंट बन जाओ अगर कोई रॉन्ग भी करता आप राइट रहो कोई टक्कर लेता है आप उसे स्नेह का पानी दो ये क्यों ऐसा कैसा करके संकल्प करके तेल नहीं डालो नम्रता का कवच पहन कर रखो जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा स्लोगन है मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो आज याद रखेंगे मेरा बाबा हर बात में मेरा बाबा ये ज़रूर याद करना है मेरा बाबा मेरे साथ है ओम शांति